मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये देखिए, मैं आज दूसरे के यहाँ ड्यूटी आया हुआ हूँ। और ये देखिए, स्कॉर्पियो S11 मॉडल है। और मैं अभी मेकन कॉलोनी में आया हुआ हूँ। यहाँ कुछ फंक्शन है, मेरे ख्याल से DIG साहब हैं, उनके यहाँ हम लोग आए हुए हैं। और ये देखिए, मेरे पीछे स्कॉर्पियो खड़ा है। मैं आज अपर बाज़ार के ड्यूटी में आया हुआ हूँ। और ये देखिए, आज मैं स्कॉर्पियो लेकर के आया हुआ हूँ। और अपर बाज़ार से मैं गाड़ी लेकर के मेकन कॉलोनी आया हुआ हूँ। ये देखिए, मेकन कॉलोनी है, जो कि हम लोग हरमू बाईपास रोड से लेफ्ट हो गए थे। ये देखिए, पूरा मेकन कॉलोनी में सब कॉलोनी टाइप है। इधर देखिए, जंगल झाड़ी सब है इधर पे। और ये देखिए, स्कॉर्पियो न्यू मॉडल है। मैं अभी आकर के उनको यहाँ पे छोड़ दिया हूँ। अब देखते हैं कब तक निकलते हैं। तो गाइज, बने रहिएगा मेरे वीडियो पर। और ये देखिए गाइज, इस मॉडल का देखिए, स्कॉर्पियो S11 का इंटीरियर का व्यू दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये रहा म्यूजिक सिस्टम है। और ये देखिए, कार का पूरा सिस्टम इस पर है। महिंद्रा का है देखिए। और इसका देखिए गियर, ये 6th गियर का है देखिए। ये तो मैनुअल गियर है। और ये देखिए, म्यूजिक सिस्टम है। इसमें हमको एक खास ये हमको लगा, ये जो आप देख रहे हैं स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये जब आप गाड़ी चला करके न्यूट्रल कर देंगे, कहीं पे खड़ा रहेंगे, तो ये ऑटो इंजन स्टॉप हो जाता है। उसके बाद जब फिर क्लच पे प्रेस करके दबाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। इसमें ये खासियत है। और ये देखिए, इसमें भी क्रूज मोड दिया हुआ है। जब आप हाईवे में चलते हैं, तो ये क्रूज मोड काम देता है। और ये देखिए, अंदर बहुत ही स्टाइलिश डैशबोर्ड वगैरह बना हुआ है देखिए। आज मैं, मेरा एक दोस्त है अनिल, तो वो यहीं पे इसी गाड़ी पे ड्यूटी करता है, तो मैं आज उसके बदले में आया हुआ हूँ। उसका कुछ काम था घर में, वो घर गया हुआ है धनबाद, तो मैं उसी के अब्सेंटी में ड्यूटी कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं वो कब तक आता है। तो मैं इसके यहाँ ड्यूटी, जब तक वो नहीं आता है तब तक मुझे ही करना पड़ेगा। गाड़ी पर बैठा हुआ हूँ। और ये देखिए, अभी बारिश हो रही है थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए, मेकन कॉलोनी है। अभी हम लोग मेकन कॉलोनी में हैं, और देखते हैं यहाँ से कब तक निकलना होता है। आज बहुत जोर का बारिश हो रहा है रांची में। और ये देखिए गाइज, आप देख सकते हैं मैं एयरपोर्ट आया हुआ हूँ। देखिए, यहाँ से किन्हीं को रिसीव करके जाना है, निकलना है। देखिए, यहाँ पे पूरा सन्नाटा है अभी। और ये देखिए, आगे का गाड़ी भी हम लोग का ही है। और ये देखिए, एयरपोर्ट है देखिए। और ये देखिए गाइज, ये रांची एयरपोर्ट है। और ये देखिए, अभी पूरा खाली खाली है। और मौसम भी बहुत ख़राब है देखिए।
उधर से एंट्री गेट है और यहाँ पे देखिए एग्जिट गेट है इधर से। और हम लोग बस अभी अभी आए हुए हैं और 3:30 बजे का फ्लाइट है, यहाँ से किन्हीं को लेकर के फिर वापस जाना है। एयरपोर्ट पे हूँ, देखिए आज का मौसम बहुत ही ख़राब है और ये देखिए हम लोग का गाड़ी लगाए हुए हैं और आगे जो वाइट गाड़ी है वो भी गाड़ी हम लोग का ही है। और ये देखिए हम लोग अभी एयरपोर्ट पर आए हुए हैं और ये देखिए हम लोग का राष्ट्रध्वज तिरंगा यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए गाइज, मैं अभी एयरपोर्ट से मेकन कॉलोनी आ गया हूँ। गाइज लेफ्ट साइड में महिंद्रा का शोरूम है और मैं मेकन कॉलोनी से देखिए फिर मैं अपर बाज़ार जा रहा हूँ। गेस्ट लॉक को छोड़ दिया है मैंने और ये देखिए शाम का वक्त है। देखिए ये ओवर ब्रिज है मेकन कॉलोनी का, जो कि आगे हमको मिलेगा त्रिकोड़ा चौक। और ये देखिए बारिश बहुत कस के हुआ है, मौसम अभी भी ख़राब है। देखिए दोस्तों ये रहा गाइज अरगोड़ा चौक, देखिए यही है अरगोड़ा चौक। देखिए और हम लोग अरगोड़ा चौक पहुंच रहे हैं, देखिए रेड लाइट सिग्नल हो गया। देखिए हम लोग फाइनली अभी एयरपोर्ट से आकर के अभी डोरंडा हाईकोर्ट के बगल में हैं, कुछ यहाँ पे काम है और आपको दिखा रहे हैं। देखिए ट्रांसफार्मर के आगे भोला लिट्टी दुकान है, वो देखिए जो कि रांची में जाना माना लिट्टी दुकान है। और ये देखिए आज दिन भर बारिश पड़ रहा है एकदम जोर का, अभी भी पड़ ही रहा है देखिए। और हम लोग कुछ सामान वगैरह यहाँ लेना है, उसके बाद फिर वापस जाना है हम लोग को। देखिए ये राइट साइड में झारखंड हाई कोर्ट है जो कि डोरंडा में है। देखिए बारिश के कारण मार्केट पूरा खाली खाली नज़र आ रहा है। देखिए इधर ये देखिए मेडिसिन शॉप है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही गाइज, आज का ब्लॉग में एंड करने का समय आ गया है और देखिए रात हो गया है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और झारखंडी जोहार है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।